एक तरफ पंजाब कांग्रेस में रार की स्थिति बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ लुधियाना की एक स्थानीय अदालत द्वारा दिया गया आदेश मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लुधियाना की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह के खिलाफ चल रहे कर टैक्स चोरी के मामलों में दस्तावेजों की जांच की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सितंबर 2020 के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली रणिंदर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह ने ईडी द्वारा फाइलों की जांच की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की थी। साथ ही अदालत ने इस मामले के पक्षकारों को 9 सितंबर को पेश होने के निर्देश भी दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैप्टन अमरिंदर और उनके बेटे रणिंदर के खिलाफ विदेशों में अघोषित संपत्ति छिपाने के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 बेटे रणिंदर और 1 कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ है। यह सभी मामले इनकम टैक्स की रिपोर्ट के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज किए गए हैं। लुधियाना की स्थानीय अदालत में तीनों मामलों की सुनवाई हो रही है। बताते चलें कि ईडी ने पिछले साल अगस्त के महीने में ही लुधियाना की कोर्ट में 3 आवेदन दायर कर मौजूदा मामलों में इनकम टैक्स द्वारा दायर दस्तावेजों की जांच की मांग की थी। ईडी ने साल 2013 में 2016 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत रणिंदर के खिलाफ जांच शुरू की थी। इनकम टैक्स विभाग ने आरोप लगाया था कि रणिंदर ने कई ट्रस्टों के बारे में झूठ बोला है जो कि वर्जिन आइलैंडों पर स्थित हैं। फेमा उल्लंघन मामले में रणिंदर ईडी के सामने पेश भी हो चुके हैं। रणिंदर ने जांच की अनुमति के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि ईडी के आवेदन को अनुमति देने से पहले संशोधनवादियों को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया, जो कि न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास ट्रायल कोर्ट के सामने जांच के लिए आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सभी नियमों का हवाला देते हुए बताया कि क्यों जांच की अनुमति दी जा सकती है। कैप्टन अमरिंदर की मुसीबतें इन दिनों बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ सिद्धू के साथ उनकी तनातनी खुलकर सामने आ गई, तो दूसरी एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ जांच जारी है। गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी माना कि पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नेताओं के साथ अपनी मीटिंग में रावत ने कहा कि सिद्धू को कांग्रेस कल्चर में ढलने में समय लगेगा।